Hello students, today I will explain you activity 4 of unit 10. So open the page number 86. So what is the activity 4? Adjectives are describing word. As in my grammar lesson I have told you what are adjectives. Kya hote hain adjectives? They are describing something. Wo jo describe karte hain kisi bhi cheez ko, specific thing ko, hai na. So in the given poem you have read some describing words like powerful light. So write 5 other words in from the poem. तो हमको क्या करना है यहाँ पर, जो other describing words हैं या adjectives हैं poem में, वो हमको यहाँ पर लिखने हैं. So you can write from the poem. आपको पहले poem पढ़ना है और उसमें जो वर्ड्स देखोगे जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. एज आई रिटन, है ना, मैंने कैसे लिखा है उसमें, ग्रेट. सेकंड वन पावरफुल, थर्ड वन इज़ ब्राइट, फोर्थ इज़ लॉन्ग एंड फिफ्थ वन इज़ वाइट. यू ऑल्सो फाइंड अदर वर्ड्स एंड यू कैन राइट हियर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द Activity 5. So what is the activity 5? Match the adjective in column A with appropriate noun in B. तो जो poem में इन adjectives को noun के साथ match करना है. तो A में क्या है, great. तो great क्या था, sun. तो great को किससे हम कर देंगे match, sun से. Then powerful light, हमको ये पोयम के अकॉर्डिंग मैच करना है. ओके, देन लॉन्ग, व्हाट इज लॉन्ग, लॉन्ग शेडोज. एंड लास्ट वन किंगली, व्हाट इज किंगली, वे. तो आपको समझ में आ गई ना ये एक्टिविटी. देन एक्टिविटी 6, द फ्रेज ब्राइटर देन ब्राइट हैज बीन यूज्ड इन द पोयम टू मीन एक्सट्रीमली ब्राइट. तो एक इसमें पोयम में हमने एक फ्रेज सुना था ना, ब्राइटर देन ब्राइट, मतलब ब्राइट से भी ज़्यादा ब्राइटर. तो उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली ब्राइट हो, है ना. तो अभी हमको जो ये देख दिए गए हैं फ्रेज, इनसे एसोसिएटेड वर्ड यहाँ पर लिखना है जो इसको क्या करे, अरेंज करे, है ना. जैसे हम बोलते ना ही इज़ नाइसर देन नाइस, ऐसे कि वो अच्छे से भी अच्छा है. तो ऐसे यहाँ पर ये सारे फ्रेज दिए गए हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ वाइटर देन वाइट. तो वाइट से भी वाइटर क्या हो सकता है, दैट इज़ स्नो, है ना. जो स्नो गिरती है ना वो कितनी वाइट होती है. सो यू हैव टू राइट हियर स्नो. देन सेकेंड वन इज़ कोल्डर देन कोल्ड. तो कोल्ड से भी कोल्डर क्या हो सकता है, दैट इज आइस. सो यू हैव टू राइट हियर आइस. देन डार्कर देन डार्क, डार्क से भी डार्कर मतलब बहुत ज़्यादा डार्क क्या होता है, नाइट, है ना. देन काइंडर देन काइंड, तो वो तो कौन होती है, हमारी मदर. यू कैन राइट एनी वन एल्स नेम, आप किसी और का भी नाम लिख सकते हो जिसको आप, जो आपको लगता है कि बहुत काइंड है. बट आई थिंक माई मदर, सो आई हैव राइट हियर माई मदर, मदर. ओके, वैसे भी मदर तो क्या होती है, काइंडर देन काइंड होती है ना. देन सॉफ्टर देन सॉफ्ट, तो सॉफ्ट से भी सॉफ्टर मतलब एक्सट्रीमली सॉफ्ट क्या होता है, फर सिल्क ये सब कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना. देन स्विफ्टर देन स्विफ्ट, स्विफ्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से होना उसको स्विफ्ट कहते हैं. तो बहुत ही एक्सट्रीमली स्विफ्ट क्या हो सकता है, लाइटनिंग. जो रेन के टाइम पर लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है, वो भी बहुत स्विफ्टली होती है ना. और टाइगर भी क्या होता है, वो भी बहुत स्विफ्टली रन करता है. तो ये ऑप्शन आप लिख सकते हो. लास्ट वन इज़ नोबलर देन नोबल, नोबल मतलब महान, है ना.
तो कौन हो सकता है ऐसे? वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स या फिर गुरु, है ना, टीचर। वो हमको क्या लगते हैं? सबसे महान लगते हैं ना, नोबल होते हैं ना। ओके, सो ये वाली भी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। नाउ एक्टिविटी 7, हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन। सो जस्ट रीड इट। कौन कौन से फैक्ट है सन के बारे में? द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये तो आप सबको पता है ना। इट मेक्स अप अबाउट 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। देन थर्ड वन इज एट अराउंड 1,392,000 किलोमीटर्स 865 माइल्स वाइड द सन्स डायमीटर इज अबाउट 110 टाइम्स वाइड देन द अर्थ। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 110 टाइम्स वाइड होता है अर्थ से। ओके, देन ओपन द पेज नंबर 88। लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन अराउंड 8 मिनट्स। तो जो सन की लाइट होती है वो अर्थ तक कितने टाइम में पहुंचती है? अराउंड 8 मिनट्स में। अ सोलार एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। व्हेन सोलार एक्लिप्स हैपेंड? जब मून का होता है सन और अर्थ के बीच में। ओके, अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड ऑल दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट वन, नाउ यू फाइंड आउट सम फैक्ट्स अबाउट द मून। तो आपको ये क्या करना है? दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क में आपको ये फैक्ट्स मून के बारे में गूगल से सर्च करके लिखने हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 8। दिस इज अ ब्यूटिफुल पोयम। ओके, सो लेट्स रीड। स्टार्स इन द नाइट, मतलब जो नाइट में हमको क्या दिखते हैं स्टार्स, उनके बारे में ये पोयम है। आई सी द स्टार्स इन द नाइट, वेन विल दे कम एंड बी अवर लाइट। तो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि मैं नाइट में क्या देखता हूँ? स्टार्स, और वो जब आते हैं तो हमारी लाइट बन जाते। दैट मीन्स उससे क्या हो जाता है? लाइट हो जाती ना, रोशनी हो जाती, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। शो अस द वे टू अ बेटर लाइफ, शो अस हाउ टू लिव अवर लाइफ्स। और रात में जब सन नहीं होता है तो स्टार्स की जो रोशनी होती है उससे हमको एक वे, मतलब एक सहारा मिलता है ना, राह मिलती है, और जो हमको एक अच्छे से जीने की राह दिखाती है। स्टार्स इन द नाइट शो अस अवर लाइट, गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। और जो ऐसा लगता है ना कि वो स्टार्स रात में जब हम ध्यान से देखते हैं रात में स्टार्स को, कि वो हमको लाइट रोशनी तो दे रही लेकिन हमको कहीं पर जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये उसकी इमेजिनेशन है कि उसको ऐसा फील हो रहा है स्टार्स को देखकर। स्टार्स इन द नाइट वी नीड अवर लाइट, वी हैव हैड मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट इट राइट, इफ वी कांट डू इट नाउ वी नेवर विल। और जो रात में स्टार्स होते हैं वो क्या है, उनको भी हमारी रोशनी की ज़रूरत है ना। और हम क्या करते हैं, उनको स्टार्स बनने में क्या लगा है? मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम है ना। तो हमको भी क्या करना है, अगर हमने अपना जो हमको करना है, अगर हमने अपना एम अभी से डिसाइड नहीं किया तो हम फिर वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमको स्टार्स की तरह शाइन करना है तो हमको जो भी काम करना है, जो भी हमारा एम है, उसके लिए वी हैव टू वर्क राइट नाउ। ओके, स्टार्स इन द नाइट बी अवर लाइट। तो लास्ट में वो कह रहा है कि जो स्टार्स हैं नाइट में वो क्या है, हमारी लाइफ की या हमारे डेली नाइट की क्या है, वो रोशनी है, लाइट है। ओके, समझ में आया आपको?
You have to read this poem twice. So now our this lesson is completed. Okay. Other exercise will be sent later. Thank you.